देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 72,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं और 459 की संक्रमण से जान चली गई। एक दिन पहले की तुलना में मरने वालों की संख्या में हुई वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना वायरस के सैकड़े मामलों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। सैकड़े मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के साथ 72,330 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,22,21,665 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा संक्रमण से 459 लोगों की जान चली गई। इसके साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,62,927 पहुंच गया। बता दें कि इससे पहले बुधवार को कोरोना से 354 लोगों की जान चली गई थी। एक दिन बाद मौतों की संख्या ने लोगों की फिर से चिंता बढ़ा दी है। अब हम बात करेंगे जनपद सहारनपुर की। तो आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में फिर से कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक आज जनपद सहारनपुर में 26 संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर जनपद में 10,295 हो गया, जो कि काफी चिंताजनक है। वहीं आज 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 241 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सिटी वैप सभी जनपद वासियों से अपील करते हैं, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग करें। सैनिटाइजर से लगातार अपने हाथों को साफ करें। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।